भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पड़ोसी देश चीन को जमकर लताड़ लगाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस तरह से भारत विरोधी ताकतों का डटकर सामना कर रहे हैं, उसने कई देशों को परेशान कर दिया है। Our own experience in the case of China, 45 years, when a country actually sort of does not observe written agreements with a neighbor, then I think you have cause for concern. The Chinese not only have their eyes and ears everywhere, they also steal. The former Google engineer is now being charged with stealing files about sensitive AI trade secrets. Sir Jayshankar, अभी हाल ही में जापान का अपना दौरा जो है वो conclude करके आए हैं और वो यही कह रहे हैं कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करता। तार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को बुलंद करने वाले विदेश मंत्री ने इस बार टोक्यो में बैठकर चीन को आईना दिखाया। उन्होंने चीन पर बॉर्डर पर खून खराबा और लिखित समझौतों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए। Unfortunately, that's not what we have seen in the last ticket. I mean, our own experience in the case of China, for example, is between 1975 to 2020, which is really 45 years. There was no bloodshed on the border. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों को डरा रहा है। बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस वी एक्सपीरियंस्ड अग्रेशन। एक चाइनीज पर्सन जिसका नाम लिन वेई डिंग है, जो कि गूगल में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है गूगल की AI टेक्नोलॉजी को चुराने के आरोप में। यह खबर अपने आप में बड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं कि वैसे भी चाइना के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि चाइना ने दुनिया की, जो खास तौर से अमेरिका की नई टेक्नोलॉजी है जिसमें न सिर्फ उसको चुरा करके बल्कि कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको चाइना ने सीधे सीधे कॉपी कर लिया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर छीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट टेल्स के इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस। देखिए, जापान से इन्वेस्टमेंट भी लेने गए थे और साथ ही साथ अपने जो इंडियंस हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी लेने गए थे, और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि ग्लोबल साउथ में हम ही वो मुल्क हैं जो कोई रास्ता निकाल सकते हैं और जो कलेक्टिव वॉइस है ग्लोबल साउथ की उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो टोक्यो में बैठ के ये कह रहे थे कि टोक्यो नहीं रिप्रेजेंट करता, हम करते हैं। चाइना ने मांगा है मुआवजा मांगा है $38 million, यानी कि 3,80,00,000 डॉलर। चाइनीज जो है वो मतलब हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं, वो हमारे लिए जान देने को तैयार है, वैसे फिलहाल तो वो हमारी जान लेने को तैयार नजर आ रहा है। कुछ सालों के अंदर जिस तरह से चाइना एज ए स्टेट जो अपना बिहेवियर दिखा रही है, उसे साफ पता चलता है कि चाइना किसी इंटरनेशनल लॉ को भी सही तरीके से फॉलो नहीं करती। और ये वही चाइना है जो दुनिया के अंदर फ्री ट्रेड की बात करती है और बराबरी की ट्रेड की बात करती है, खास तौर से जब से अमेरिका ने चाइनीज कंपनियों और चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद टोक्यो में गए थे जापान की यात्रा के दौरान। वहां से बैठकर उन्होंने चाइना और पाकिस्तान की लहर निकाल दी। जी हां, उन्होंने खुले शब्दों में खड़े होकर कहा कि चाइना अपनी औकात भूल जाता है और हमारा जो रिटन डॉक्यूमेंट है, समझौता है, उसको भूलकर वो सीमा पर उल्लंघन करता है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा 10,000 सोल्जर वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं। दोस्तों जयशंकर प्रसाद बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और भारत के हित के संबंध में वो दुनिया के किसी भी पत्रकार से या किसी भी देश से भिड़ने को तैयार रहते हैं। उनके इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान की हवा निकल गई है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पे मातम छाया हुआ है कि चाइना को भी भारत ने कई बार लतेड़ दिया, लेकिन चाइना उसका कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। और वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आई थिंक आई डोंट नो इफ इंडियन मीडिया हैज पिक्ड इट और नॉट, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 5 साल भी मोदी की हुकूमत आ रही है और शायद उसके बाद भी जो है वो मोदी की हुकूमत होगी। दिस इज़ व्हाट ही मेंशनड, सो एंड डेफिनेटली ही इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ही इज नाउ अ पॉलिटिशियन, ही इज नो मोर अ टेक्नोक्रेट, ही इज नो मोर अ डिप्लोमेट, ही इज अ चीफ डिप्लोमेट, टॉप डिप्लोमेट, बट ही इज नो मोर वो डिप्लोमेट तो जस्ट नहीं है, कोई सरकारी मुलाजम तो नहीं है। बहरहाल ये चीज़ जो है
इंडिया बार बार दो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो ये कि इंडिया बार बार कह रहा है कि चाइना अपने इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए वो कहते हैं कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं है बॉर्डर के ऊपर, इसीलिए 10,000 फौजी जो हैं वो भेजने पड़ रहे हैं, और चाइना रेलिवेंट एग्रीमेंट्स भी नहीं ऑब्जर्व नहीं कर रहा, फिर मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कंटिन्यूसली नाकाम होती जा रही है। ये चीज़ें जो हैं ये जारी बात है इंडियंस को ये परेशान करती हैं इन अ सेंस, इस सेंस में कि भाई चाइना जो है वो बड़ी पावर है, वो चीज़ों को डोमिनेट करते हैं बहुत सारी जगहों पे, और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड, और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया जारी बात है इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयरनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक जारी बात आपको पता न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए तब से चाइना इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि अ कंट्री विच डज नॉट गो विद द रूल्स ऑफ द गेम और अ कंट्री विच नॉट फॉलो द रिटन एग्रीमेंट्स हाउ कैन वी ट्रस्ट दैट कंट्री। मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ जो हाल ही में जापान में आई थिंक रायजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की, और जैसे ये बातें कल डॉक्टर राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे कि लैंड एयर और सी से हम हर तरफ से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन दुनिया समझती है कि चाइना जो है वो लैंड एयर सी से नहीं करेगा, वो कहीं और से इंडिया पे अटैक करेगा अगर वो करेगा तो। सो इज़ इंडिया रेडी फॉर दैट? यू नो दीज आर क्वेश्चन विच पीपल इन द मिलिट्री डोमेन दे डू आस्क, एंड इस तरह की डिस्कशंस होती रहती हैं। देखें अब ये होता है कि यू क्रिएट फियर, सो इंडियंस क्रिएट फियर within the Japanese and within the Americans. Americans तो खैर कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर खौफ डालने की कोशिश करें, लेकिन जो इंडियंस हैं they have put fear in the Japanese that we have to invest in Bangladesh to resist the Chinese pressure. ये चीज़ जो है इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर जय शंकर है he has been working on it for long. इंडिया जापान और चाइना के अपने भी बड़े पुराने मसले हैं, दैट्स अनदर हिस्ट्री, वी आर नॉट टॉकिंग ऑन दैट, बट इन रियलिटी जैसे आप कह लें कि ये जापान को लेकर के पूरे खित्ते में इंडिया इस्तेमाल करना चाहता है। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को, राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक NDTV की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा ना ज़मीन से आएगा ना समंदर से आएगा, हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस डोमेन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा, और ये जो हमला है ये जो साइबर स्पेस में भारत की कितनी तैयारी है। अब इसमें जारी बात है एक ये एक बड़ी जिसे आप कह लें कि एक अनदर क्वेश्चन है, कई लोगों का कहना ये भी है इंडिया के अंदर कि ज़्यादा जी इंडियन पॉलिटिशियंस आर डेमोकॉक्स, वो ज़्यादातर आवाम को पब्लिक को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं बट ऑन ग्राउंड उस तरह की जो प्रिपेयरनेस नहीं है।